In this video, you will learn what is difference between equation and identity. First, I'm discussing about equation. Equation, an expression which contains equals to, is known as equation. For example, 2x plus 1 is equals to 7. If we solve this equation, solve means we have to find the value of the variable. So for solution, we will shift this plus 1 towards other side, it will become 7 minus 1 and 6, and the value of x will become 3. Value of x is 3. So students, we can solve any equation. If we check this value by substituting it in question in original equation, then it must satisfy. 2x plus 1 equal to 7. As we have x is 3. 2, 3 is a 6 plus 1. 7 equal to 7. So equation, an expression which contains sign of equals to, we can solve the equation. And we can also verify this answer by substituting it in original equation. So equation must satisfy the answer. So this answer is known as roots of the equation, answer of the equation, solution of the equation. But agar main is expression ne x is equal to 3 को पुट कर रहा हूं, वो तो सेटिस्फाई कर रही है, बट इसके अलावा अगर मैंने पुट किया x is equals to कोई और नंबर, लेट सपोज के मैंने पुट कर दिया 0, तो 2 0 0 plus 1 equal to 7. 1 equal to 7 not equals to. If we substitute random कोई भी value put कर दीजिए, x is equals to 2, 2, 2 is a 4, 4 plus 1 is equals to 7, 5 is equal to 7 not equals to. तो equation सिर्फ और सिर्फ अपने answer को satisfy करती है, random values को satisfy नहीं करती. अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की. जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आइडेंटिटी है x स्क्वायर माइनस 25. इसको मैंने ब्रेक कर दिया बाय प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन x माइनस 5 इंटू x प्लस 5. अब ये जो आइडेंटिटी है, इट इज ट्रू for all values of the x, for all values of the variable. इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो, तो उसे सेटिस्फाई करेगी. अगर मैं पुट करता हूं, पुट x is equals to कोई वैल्यू, मैंने पुट कर दी यहां पर 6. 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 25, इट विल बिकम 11. Equals to के बाद क्या है, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5. इंस्टेड ऑफ x मैं पुट करूंगा 6, 6 माइनस 5, 6 प्लस 5, सो इट विल बी 1 एंड इट विल बी 11. 11, 1 11 इज 11, 11 इक्वल्स टू 1. अब मैं रेंडमली कुछ पुट कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल्स टू 2 को मैंने पुट कर दिया, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 25 आंसर इज माइनस 21,
after equals to, I am also substituting x is equals to 2. 2 minus 5 minus 3 multiplied by 2 plus 5 minus 3 multiplied by 2 plus 5 is 7. Answer is minus 21. So in identity, if equation satisfies all the values of the variable, then this equation is known as identity. Or हम identity को इस symbol से show करते हैं, equal to की जगह पर ही symbol use करते हैं. Normally हम equal to ही use करते हैं, but जितनी भी identities हैं, जैसे कि a square माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखते हैं हम ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी. और जो आइडेंटिटी का जो सिंबल है वो क्या होता है, हम यहां पर तीन इक्वल्स टू यूज करते हैं, मतलब कि एक एक लाइन और शो कर देते हैं, तो ये आइडेंटिटी का सिंबल है. इसके अलावा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर में माइनस टू भी आते हैं, ये सब आइडेंटिटीज हैं. तो आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं विच सेटिस्फाइज ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. और जितने भी एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं उससे जो भी इक्वेशन बनेगी वो आइडेंटिटी कहलाएगी. आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि इक्वेशन का अपना यूनिक आंसर होता है, सिर्फ वही सेटिस्फाई करता है, बाकी सेटिस्फाई नहीं करते, रेंडम वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती. लेकिन आइडेंटिटी जो भी आपके पास एक इक्वेशन होगी, जो भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला होगा, वो तमाम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगी. थैंक यू.